हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस्ड स्टडीज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ PIMSAICET के बारे में, किसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर एसन। आपको उसमें टाइप करना है PIMSAICET 2023 एस पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ से आपको PIMS से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पे दिया गया है PIMS एडमिशन 2023 एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन यहाँ पे इसका अलग अलग कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है एंड देन यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दिया गया है, प्रवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का फुल फॉर्म है। एंड देन यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। देन यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है। देन यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी एंड अपना पासवर्ड टाइप करके आपको साइन इन पर क्लिक करना है। बट अगर आप न्यू हैं तो यहाँ पर रजिस्टर और न्यू यूज़र पर आप क्लिक करेंगे। देन आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, यहाँ पर आपको जो है अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर, फिर सेलेक्ट कोर्स टू अप्लाइड, ईमेल आईडी, पासवर्ड, देन रिटाइप पासवर्ड एंड देन आपको आई एग्री पे क्लिक करके आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होता है। देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, वहाँ से आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल्स एंड अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देनी होती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपको अपना नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, रिलेशन, कास्ट, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती हैं। देन आपको अपना एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देना है, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में जैसे 10th एंड 12th का परसेंटेज बताना होता है, कौन से ईयर में आपने कम्प्लीट किया था, कौन से स्टेट से, कौन से यूनिवर्सिटी से। एंड देन आपको अपना जो है एड्रेस बताना होता है, जिसमें आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, कंट्री, नेशनलिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती हैं। देन आपको अपना जो है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको 10th एंड 12th का जो है मार्कशीट देना है आपको। एंड देन आपको फ़ोटो देना होता है, JPG या PNG फॉर्म में, देन सिग्नेचर करना होता है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस देना होता है। आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI। तो इस तरह से आपको अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।